हेलो बच्चों, आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर का नाम सुनते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ कंट्रोल। कंट्रोल मींस जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस मींस जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, उन सभी केमिकल रिएक्शंस को हम बायोकेमिकल प्रोसेस कहेंगे। करना इन बायोकेमिकल प्रोसेस को कम या ज़्यादा करना, ठीक है, इस कंप्लीट प्रोसेस को ही हम कहते हैं कंट्रोल। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मींस एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस। एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस मींस हमारे आसपास के वातावरण में जितने भी चेंजेस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करेंगे, उसी को हम स्टिमुलाई कहेंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इस बच्चे ने जैसे ही हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तुरंत इसने हाथ को पीछे कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हॉट ऑब्जेक्ट है बेसिकली क्या होगा, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज होगा जिसके वजह से बॉडी में रिएक्शंस चली और अल्टीमेटली इस बच्चे ने रिस्पांस दिया। तो रिस्पांस देने का कारण क्या है, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज, जिसे हम क्या कहेंगे, स्टिमुलाई। क्लियर। बेसिकली जो स्टिमुलाई है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हॉट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही होगा। स्टिमुलाई लाइट के फॉर्म में हो सकता है, हीट के फॉर्म में हो सकता है, कोल्ड की फॉर्म में हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। सेकंड एग्जांपल में देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज बैड स्मेल की फॉर्म में हो, तो आपका जो रिएक्शन होगा समहाउ कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा, ठीक है। जब भी बैड स्मेल हमारे आसपास होती है, हम अपने नोज़ को हैंकी से या अपने हाथों से कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो बैड स्मेल है बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज का काम करेगा, और जो हम अपने नोज़ को कवर करते हैं वो हमारा रिस्पांस होगा, ठीक है। सिमिलरली इन थर्ड एग्जांपल में बेसिकली क्या है कि जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज है वो एक अच्छी स्मेल की फॉर्म में है। बेसिकली अच्छी स्मेल की वजह से हमारा रिस्पांस कैसा होना चाहिए कि हमें अच्छा फील होता है, ओके। तो जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज होगा यहाँ पे अच्छी स्मेल होगा, और जो हम फील कर रहे हैं, गुड फील कर रहे हैं, जो हम अच्छा फील कर रहे हैं वो यहाँ पे रिस्पांस होगा। क्लियर। एनिमल्स के साथ ही साथ हमें सभी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो एग्जांपल दे रखा है, इसमें जो प्लांट है दैट इज़ मिमोसा पुडिका, जिसे कि हम हिंदी में छुई मुई कहते हैं। अगर आप बिफोर केस में देखिए, बिफोर केस में जो लीफ है वो खिली खिली सी है, ठीक है, उनकी जो पत्तियां हैं वो अच्छे से खिली हुई सी हैं। लेकिन आफ्टर एग्जांपल में देखिए कि जैसे ही किसी ने इसकी पत्तियों को छुआ, जो पत्तियाँ हैं वो पास पास आ गई। तो इससे आपको ये समझना है कि जो प्लांट है इसने रिस्पांस किया, ठीक है, और जो रिस्पांस किया किसके अकॉर्डिंग रिस्पांस किया, इसने किसके अगेंस्ट रिस्पांस किया, दैट इज़ एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंज है वो किस फॉर्म में है, टच की फॉर्म में है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बेसिकली मींस कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अच्छे से सर्वाइव करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के काम करें, ठीक है। इन एनिमल्स प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नेचर ने दो मेन सिस्टम प्रोवाइड किए हैं। फर्स्ट जो सिस्टम है दैट इज़ नर्वस सिस्टम, एंड सेकेंड सिस्टम इज़ एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर।